लेसन फोर रिलेटेड वी विल डू एक्टिविटी ऑफ सेव द अर्थ। आज हम सेव द अर्थ के रिलेटेड एक वॉल हैंगिंग बनाने वाले हैं, है ना। विच मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्टिविटी, ये वॉल हैंगिंग बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल चाहिए। यू कैन सी हियर वन पिक्चर ऑफ अवर अर्थ, थ्रेड, कार्ड शीट, सीजर, ग्लू, मार्कर, स्केच पेन्स, क्रेयॉन्स एंड अ पंच मशीन। दीज मटेरियल्स वी रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्टिविटी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अर्थ वाला एक पिक्चर ले लेंगे, ना अर्थ वाला एक पिक्चर लेंगे। नाउ अर्थ के पिक्चर को कोई कार्ड शीट के ऊपर हमें ऐसे स्टिक कर देना है, है ना, जैसे कि उसको एक सपोर्ट मिल जाए। एंड वन कार्ड शीट, अभी एक कार्ड शीट है उसमें हमें हार्ट शेप ड्रॉ करना है। क्या करना है, हार्ट शेप, यहाँ पर हम ऐसे हार्ट शेप्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फिर इसको कट कर देंगे, ये रख के हमें फिर कट कर देना है। सीजर का यूज करके हम हार्ट शेप कट कर देंगे, नो ऐसे हमने ये एक हार्ट शेप कट कर दिया। अभी ये जो हार्ट शेप है उसमें हमें मार्कर से आउटलाइन देना है। जो हमारा हार्ट शेप है उसमें हमें मार्कर से आउटलाइन देना है। आपके पास कोई भी कलर के मार्कर है तो आप उससे आउटलाइन दे सकते हो, नो ऐसे हमें फोर या फाइव हार्ट शेप कट करके साइड पे रख देना है, ना फोर अदरवाइज फाइव हार्ट शेप कटर्ड वी हैव टू कट एंड रिपीट द नेक्स्ट साइड। यहाँ पे हम नेक्स्ट साइड पे रख देंगे। एंड यू कैन सी हियर नाउ इन दिस पिक्चर वी हैव टू पुट द कलर। अब हम ये पिक्चर में कलर करेंगे। जैसे कि आप जानते हो अर्थ में कौन कौन से कलर होते हैं, ब्लू एंड ग्रीन, ना ब्लू एंड ग्रीन, जो हमारा अर्थ का पार्ट है वो ग्रीन कलर एंड द अदर पोर्शंस आर ब्लू, सो वी हैव टू पुट द कलर इन दिस पिक्चर। जहाँ पे अर्थ का पार्ट है वहां पर ग्रीन कलर आएगा और जहाँ पे पानी का पार्ट है, वाटर पार्ट है, वहां पे ब्लू कलर, नो दिस वे वी हैव टू पुट द कलर। ये पिक्चर में हम कलर कर देंगे, ठीक इसी तरह से हमें ये पूरे अर्थ में, अर्थ के पिक्चर्स में हमें कलर कर देना है, है ना। कलर होने के बाद हम ये पिक्चर पे जो सेव ओवर अर्थ मींस हमारे ये अर्थ है, अर्थ को सेव करने के लिए हम कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, वो ये जो हार्ट शेप है ये कटआउट उसके ऊपर हम हमारे जो आइडियाज है वो हम वन बाय वन करके हार्ट शेप पे हमने लिख दिया है। यू कैन रीड दिस, यूज बोथ साइड्स ऑफ पेपर, मींस पेपर की दोनों साइड हमें यूज करनी चाहिए, नो नेक्स्ट वन सेव वाटर, रिसाइकल, पिक अप ट्रैश, टर्न ऑफ लाइट्स, नो दीज एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज करके हम अर्थ को सेव कर सकते हैं, है ना। ये हमने सब कटआउट्स राइटिंग करके रेडी कर दिए हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ऐसे हम एक थ्रेड लेंगे, जो आपके पास थ्रेड हो ना वो थ्रेड लेना है, फिर लॉन्ग शॉर्ट ऐसे टाइप करके हमें जैसे इसके सीजर्स का यूज करके इसको कट कर देना है ना। देन
अब ये जो है इसको हम होल करके हैंगिंग बनाएंगे। आपका जो पंच मशीन है उसका यूज करके आपको उसका होल बना देना है। ये जो पिक्चर है इसमें कैसे एक होल बन गया है ना, दिस वे वी हैव टू पुट फोर अदरवाइज फाइव होल्स हियर। ऐसे ही हम ये पिक्चर में फाइव होल्स बना देंगे। आप देख रहे हो ये अर्थ के पिक्चर के उसमें हमने फाइव होल्स बना दिए। अभी ये जो आपका कटआउट है वो कटआउट में भी आपको मिडल में एक होल बना देना है। क्या करेंगे हम इसमें, इसमें भी इसके जैसा एक होल बना देंगे ना। बन गया, यस। अभी ये एक थ्रेड लेकर थ्रेड को इसमें फिक्स कर देंगे। फिर जैसे आप टाई कर रहे हो वैसे इसमें आपको टाई कर देना है ना। हो गया। अभी इसको और ये मिडिल के होल में हमें टाई कर देना है। हो गया। अब ये जो पार्ट एक्स्ट्रा है उसको हम सीजर से कट कर देंगे। हो गए ना। अभी सेम लाइक दिस ऐसे ही हम ये जो कटआउट है उसमें भी होल करके इसको यहाँ पे स्टिक कर देंगे, इसको यहाँ पे टाई कर देंगे। ठीक है। जैसे हमने आपको बताया कि ये जो है वो आगे ऊपर के पार्ट में भी फिक्स कर दिया और डाउन साइड भी हार्ट शेप के साथ होल करके इसको फिक्स कर दिया। सेम वे हमने फाइव होल जो बनाए थे उसमें एक एक थ्रेड डाल के वो कटआउट जो थे हार्ट के उसको हमने फिक्स कर दिया ना, उसको टाई कर दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा सेव अवर अर्थ का जो वॉल हैंगिंग है वो अभी रेडी हो चुका है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो। डू यू लाइक दिस एक्टिविटी? यस। ऐसे ही हमें घर पे कोई एक्स्ट्रा पेपर हो उसका कटआउट लेकर ऐसे हम एक्टिविटी कर सकते हैं, है ना।